2014 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा नदी को स्वच्छ करने का वायदा किया था। अब जबकि 2019 का चुनाव के लिए काफी कम वक्त बचा है, तो मोदी सरकार ने इस दिशा में गंभीरता से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। शुक्रवार को गंगा रेजुविनेशन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने गंगा सफाई का रोड मैप पेश किया। इस दौरान गडकरी ने बताया कि सरकार की योजना गंगा की सफाई के साथ साथ गंगा तट पर 10 करोड़ पेड़ लगाने की भी है। किनारे पर हमने 10 करोड़ वृक्ष लगाने का काम किया है, तय किया है। इसमें ऑलरेडी हमने 6 राज्यों के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट सेक्रेटरी, इनकी सब मीटिंग बुलाई थी, पर इसकी जिम्मेदारी महाराष्ट्र में इसकी अध्यक्ष उमा भारती है, कार्याध्यक्ष करके सुधीर मुनगंटीवार करके महाराष्ट्र के फॉरेस्ट मिनिस्टर है। उन्होंने पिछले साल 50 लाख वृक्ष लगाए महाराष्ट्र में और इस साल 4.5 करोड़ वृक्ष लगाए और उसका ई टैग किया है। इसके साथ जो चौथा पार्ट है वो गंगा के किनारे पर घाट बांधना, मोक्षधाम बनाना, गार्डन्स बनाना, लैंडस्केपिंग करना, लाइटिंग, पार्किंग, धर्मशाला, आवश्यकता हुई तो रोड बनाना और सुंदर बनाना, ऐसा काम है। तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि प्रधानमंत्री जी ने हमें कहा था कि ये काम करने के लिए समाज के सहयोग से हम ये काम करें और इसलिए क्लीन गंगा मिशन में मैंने इस काम की शुरुआत 10 दिन पहले लंदन से की और लंदन में रोड शो किया और लंदन के एक ही रोड शो में मुझे 1000 करोड़ रुपए के कार्य की जिम्मेदारी लेने वाले लोगों ने इसको स्पॉन्सर किया है। अपने पैसे से वो काम करेंगे। इसमें अनिल अग्रवाल जो है स्ट्राइक के, उन्होंने पटना की जिम्मेदारी ली। रवि मल्होत्रा करके शिपिंग में बहुत बड़ी कंपनी है लंदन की, जो कानपुर के, उनका जीवन कानपुर के हैं, उनने कानपुर की जिम्मेदारी ली। हरिद्वार की जिम्मेदारी जो है वो हिंदुजा ने ली है और कल फिनोलेक्स वाले जो है छाबरिया, उनने ऋषिकेश की ली है। और इसके साथ साथ हमारे कलकत्ता में जो गंगा सागर है वहाँ के काम की जिम्मेदारी लोहिया इंडोनेशिया वाले, उनके उन्होंने ली है। तो करीब 1000 करोड़ के काम तो लंदन में हुए। कल मैं मुंबई में था और मुंबई के भी लोगों से मिला हूँ और मुंबई में भी वृंदावन का काम वाधवा करके बिल्डर उन्होंने लिया है और काफ़ी बड़े बड़े चर्चा हुई, करीब 1000 करोड़ के प्रॉमिसेस मुंबई में मिले हैं। तो गंगा में ये जो हम लोग गंगा और गंगा की ट्रिब्यूटरीज को भी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, पर पहली प्रायोरिटी गंगा है और पैसा और इकट्ठा हुआ तो ट्रिब्यूटरीज में यमुना है, बाकी भी जगह हम ये काम करने वाले हैं। तो ये काम करने के लिए अभी तक 2000 करोड़ रुपये का काम करने का आश्वासन मिला है। हमारा प्रयास ये है कि नमामि गंगा मिशन में एक ट्रस्ट बनाए अरुण जेटली जी की अध्यक्षता में और उसमें अभी तक 220 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए हैं। अभी हम लोग शुरुआत करने वाले हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से और हमने संकल्प किया है कि 1 करोड़ लोगों से कम हम पैसे लेंगे ताकि वो हमारा जो बैंक अकाउंट है क्लीन गंगा का, जिसके ट्रस्ट के अध्यक्ष अरुण जेटली है, इसमें ऑलरेडी 220 करोड़ रुपए जमा है। मैं आपके मार्फत आप सबको, उत्तर प्रदेश की जनता को आह्वान करता हूं कि गंगा के कार्य के लिए सामाजिक दायित्व के भाव से उनके तरफ से ज़्यादा पैसा इस अकाउंट में डायरेक्टली जमा करें। कैश पैसे किसी को ना दें, बैंक ट्रांसफ़र करके अकाउंट में जमा करें। जो 1 करोड़ के ऊपर राशि देंगे उनको एक मोमेंटो और हम लोग सर्टिफिकेट देने की कोशिश करेंगे। मुझे कल मुंबई में और भी आश्वासन मिले हैं जो इस काम को करने के लिए आगे आ रहे हैं। मैंने आप सबको बुलाने का कारण यही है कि मैं उत्तर प्रदेश के भी जनता को, उद्योगपतियों को अपील करता हूं कि गंगा के किनारे पर ऐसे जो काम है उसको स्पॉन्सर करने के लिए आगे आए। हमने सिंपल सिस्टम बनाई है, डिपार्टमेंट में हमारा लाइजनिंग ऑफिसर होगा और सब परमिशन हम ला कर देंगे। हमारा कुछ प्रोजेक्ट का DPR तैयार है, वो चाहे तो हमारे DPR के अनुसार काम करें, अगर उनको लगता है हमारा पसंद नहीं तो वो अपना डिज़ाइन तैयार करें। 15 दिन के अंदर हमारे सेक्रेटरी की अध्यक्षता में 3 लोग कमेटी को उसको अप्रूवल देंगे, वो अपने पैसे से काम करें, क्लियरेंसेस हम सब मिला कर देंगे
और 15 साल के लिए उसको मेंटेन करें और वहाँ वो अपने कंपनी का, अपने पिता का या जो भी कुछ नाम स्पॉन्सर करके लिख सकेंगे। तो ये स्कीम है, अगर वो चाहते कि 15 साल उनको नहीं संभालना है तो सरकार संभालने के लिए तैयार है, तो बहुत ऑप्शन भी हमने उनको दिए हैं। इस योजना को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, अभी तक 2000 करोड़ का प्रॉमिस मिला है, क्योंकि मैंने 7-8 दिन में काम शुरू किया है। अभी मैं कलकत्ता जाने वाला हूँ, चेन्नई जाने वाला हूँ, बेंगलोर जाने वाला हूँ, लखनऊ भी एक बार ऑफिशियली आऊँगा और सब लोगों को अपील करूँगा। इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स, इंडस्ट्री, कॉरपोरेट्स और जैसे विदेशी भारतीय नागरिकों ने जब पहले बार जो रिस्पॉन्स दिया है, तो मैं अपील करूँगा कि यहाँ की जनता भी गंगा हमारी आस्था है, श्रद्धा है, हमारी भावना की प्रतीक है, तो कहीं ना कहीं सबका मदद उसके लिए मिले। और इसलिए आज आपके मार्फत मैं उत्तर प्रदेश की जनता को आह्वान करूंगा कि उसमें वो मदद करें। एक और थोड़ी बहुत जानकारी आपको दे देता हूँ, अनाय से मैं आया हूँ। हम लोग वाराणसी टू हल्दिया जलमार्ग बना रहे हैं, ये 1680 किलोमीटर है। इसमें हम 40 टर्मिनल्स बना रहे हैं जिसमें हम 3000 करोड़ रुपये डाल रहे हैं। 3 मल्टीमोडल टर्मिनल्स है, वाराणसी, साहिबगंज और हल्दिया, इन सब के काम लगभग शुरू हुए हैं। 2 इंटरमोडल टर्मिनल्स है, गाजीपुर और कालूघाट। फेरीवे है, हम लोग 5 साल के लिए 2.5 मीटर का ड्राफ्ट मेंटेन करेंगे, जिसके लिए 1600 करोड़ का 5 साल का ऑर्डर हमने दिया है। फराक्का लॉक गेट का 360 करोड़ का काम L&T को दिया, उसका काम शुरू हो गया है। बैंक प्रोटेक्शन रिवर के लिए 250 करोड़ का ऑर्डर निकला है। और जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है, वैसे रिवर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है, टेलीविजन पर आपको हर नाव दिखेगी। तो इसमें से पटना से हल्दिया सिस्टम पूरी हुई है, उसको हमने इनॉग्रेट कर दिया है और जल्दी वाराणसी तक काम पूरा होगा। इस पर हमने 250 करोड़ का खर्चा किया है। नाइट नेविगेशन, रात को गंगा में जाने के लिए 50 करोड़ का काम है। शिप रिपेयर और मेंटेनेंस फैसिलिटी के लिए 150 करोड़ रुपए। कोलकाता HDPL और दोराईगंज बिहार, दो जगह हम काम कर रहे हैं। करीब 8 जगह रोरो सर्विसेस है, जिसमें 150 करोड़ हम खर्चा कर रहे हैं। राजमहल मणिचक, सामदा घाट मनिहारी, कहलगांव तीनतंगा। गडकरी ने बताया कि सरकार गंगा के तटों पर सुंदर बनाने का भी काम करेगी और इसके लिए समाज का भी सहयोग लिया जाएगा। गडकरी ने कहा कि गंगा की सफाई के लिए 1 करोड़ लोगों से धन इकट्ठा किया जाएगा, जिसकी शुरुआत प्रेसिडेंट और PM से की जाएगी। NMF न्यूज की रिपोर्ट।